हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रजनी मेकओवर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं एक हेयर कट का वीडियोस लेके आई हूँ जो बेबी हेयर कट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा सब, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा और उसके साथ ही जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी आगे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपने देख ही लिया होगा कि इनकी जो है हेयर की लेंथ ये थी एंड इनके साथ इनकी सिस्टर थी, तो उनसे पूछ करके जो है मैंने इनकी लेंथ कट करी है। एंड उसके साथ ही मैंने पहले पीछे के साइड से जो है एक गाइडलाइन क्रिएट कर ली थी, उसी गाइडलाइन को जो फॉलो करते हुए मैंने दोनों साइड को मतलब पीछे से आगे की तरफ जो है हेयर कट करती हुई लेके आई। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने जो है ये हेयर कट किया हुआ है, कोई ज़्यादा मतलब नाई सेक्शन था उसमें कुछ भी मैंने ऐसा नहीं करा है। ये ऐसा हेयर कट जो आप इजीली घर में भी कर सकते हो, तो आप देख सकते हो उस तरीके से। एंड लास्ट का जो पिक था वो स्टार्टिंग में मैंने शो कर दिया है आपको, जो लास्ट का रिजल्ट था वो इस तरीके से। तो धीरे धीरे करके बस आपको उनके हेड का ध्यान रखना है कि उनका सर जो है वो ज़्यादा इधर उधर ना करे, नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो बाल जो है बाद में एक्स्ट्रा दिखते हैं एंड ऊपर नीचे हेयर कट हो जाता है। ओके, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने सारे हेयर कटे जो मतलब सारी तरीक़ों से जो है मैंने हेयर को कट कर दिया है तीनों साइड से। सॉरी, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है एंड थोड़ा सा में दर्द भी है, इसलिए समझ नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। ओके, इस तरीके से। एंड एक बार लेके मैंने जो है फिर से एक बार रीचेक करा है ताकि जो भी एक्स्ट्रा हेयर हो वो हमारे रिमूव हो जाए, है ना, क्योंकि हमें हर हेयर कट करने के बाद एक बार रीचेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हेयर रह जाते हैं तो वो सूखने के बाद दिखते हैं ना, तो क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से जो है मैंने रीचेक करा था अपने उनके हेयर को। हमेशा क्लाइंट जितना बोलता है गाइस कि हमें इतने हेयर कट करवाना, उसके अकॉर्डिंग आपको 1 इंच कम ही कट करना है, ठीक है। एंड आगे का है जो मैंने वी सेक्शन ले करके उनको आगे जो है उनके हेयर को कट कर दिया था, एक बेबी के हेयर कट को क्रिएट करा था, मतलब आगे की तरफ से जो बेबी के लिए हेयर होते हैं मैंने उस तरीके से इनका कट कर दिया था, ठीक है। इस तरीके से वी सेक्शन बना के मैंने उसको राउंड एंड राउंड घुमा के और सीधा स्ट्रेट कट कर दिया है। तो बहुत ही इजी तरीके से जो है मैं हेयर कट बताया हूँ आपको, इसमें भी बहुत ही इजी तरीके से हेयर कट बताया। अगर आपको कैसा लगा है वीडियोस तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बिल्कुल भी जो है मुझसे बोलते नहीं बन रही है। बट फिर भी मैं काफ़ी टाइम हो गया इसको पेंडिंग पड़े हुए वीडियोज़, लेकिन बड़ी मुश्किल से आज जो है मैंने मन करा है अपना वॉइस रिकॉर्ड करने का। एंड मैं इसके बाद इनका हेयर को ब्लश ड्राई करके इनके हेयर को ड्राई कर दूँगी एंड उसके बाद जो इनका फाइनल रिजल्ट आप देख लीजिएगा। ओके, और गाइस प्लीज़ मुझे जितना हो सके सपोर्ट करिएगा। मैंने पहले काफ़ी सारी मेहनत करी है यूट्यूब पर मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा, इसलिए पता नहीं क्यों हिम्मत होती ही नहीं है वीडियोस डालने की। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, वीडियोज़ के लाइक के साथ साथ मुझे कमेंट करिएगा, ताकि उससे क्या होता है कमेंट पढ़कर जो है मुझे अच्छा लगता है। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो मेरा वीडियोज़ भी करता है, मतलब वीडियोज़ बनाने का मन भी करता है। तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कर दिया करिएगा। ओके, और वीडियो कैसा लगा उसके लिए लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे इंस्टा आईडी पर भी फॉलो कर लीजिएगा। उन दोनों आईडी के जो है मेरी 2 आईडी है, दोनों आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फिर से हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं काफ़ी जल्दी। मैं आपको वीडियोज़ कुछ सेकेंड वीडियोज़ देने वाली हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेयर कट कैसा लगा प्लीज़ योर फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर कमेंट डाउन करके मुझे बताइएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।